दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर जिला मुख्यालय नाहन में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के जिला अध्यक्ष हुकुम सिंह राणा ने बताया कि अमेंडमेंट बिल के लागू होने से बिजली महंगी हो जाएगी, साथ ही इस बिल के लागू होने से कमर्शियल उपभोक्ताओं की बजाय डोमेस्टिक उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने बिल के लागू होने से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली मार को देखते हुए सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है। वहीं यूनियन की एग्जीक्यूटिव मेंबर आदर्श मेहता ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बिल को वापस करने में उनका सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि ये बिल लागू हो जाता है तो उपभोक्ताओं को बिजली की भारी बिल आने की संभावना है और हरियाणा पंजाब की तर्ज पर बिजली यहां बहुत महंगी हो जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिजली विभाग को निजी हाथों में ना सौंपा जाए, साथ ही उन्होंने बिजली विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए आउटसोर्स की बजाय अनुबंध पर रखने की मांग की है। जितने भी हमारे यहाँ पे उपभोक्ता हैं जो बिजली यूज कर रहे हैं, मैं उन सभी को अपील करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ इस बिल को वापस करने में सहायता करें, क्योंकि यदि एक बार ये प्राइवेट हाथों में चला गया तो हर एक उपभोक्ता पर बहुत भारी बिल आने की अंदेशा है। मैं गवर्नमेंट से भी दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि इसे प्राइवेटेशन की ओर ना ले जाया जाए। यदि आपको हम लोगों से कोई शिकायत है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी, स्टेट गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी, यदि आप लोगों को हम एम्प्लॉय से कोई शिकायत है तो कृपया हमें बताएं, हम उसको सही करने के लिए तैयार हैं। मगर हम आपसे भी एक आश्वासन चाहते हैं कि आप इसे प्राइवेटेशन की तरफ ना ले जाएं। एक ये जो आउटसोर्स आप भर्ती कर रहे हो ये बंद करें। इसमें हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला जो यंग ब्लड है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। ठेकेदार जो हैं, उनसे मनचाहा काम लेते हैं, उनको पूरी पगार नहीं मिलती। मैं चाहती हूं कि बोर्ड अपने बंदे रेगुलर रखें, कांटेक्ट में रखें, मगर ये आउटसोर्स बंद होना चाहिए। और ये बिल जो है इसको आज की ही डेट में गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। और जितनी भी जनता है अवेयर हो जाओ, मैं बार बार कह रही हूँ, बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, आने वाले समय में ये आपका जीना हराम कर देंगे। ब्लैक सिटी हरियाणा पंजाब की तरह हिमाचल में भी बहुत महंगी हो जाएगी। अभी भी वक्त है, जागो जागो मेरे भाइयों, जागो। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों नारायण का प्रधान, मैं हम आज ऑल इंडिया ऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ के आह्वान पर अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में धरना प्रदर्शन किया हमने, जिसके कारण जो अब आने वाला समय उपभोक्ताओं को, किसानों को, चाहे कोई भी किसी भी जो भी उस बिजली को यूज़ कर रहा है डोमेस्टिक साइड से, कमर्शियल वालों को तो फायदा है इसमें, लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो सबसे ज़्यादा पीसेगा इसमें। और उसी कारण जो हमारे बिजली बोर्ड को प्राइवेट सेक्टर में हाथ बेचा जा रहा है, उससे उसके विरोध में भी हमने इसको जोर शोर से उठाया है कि ये अमेंडमेंट बिल 2021 को बंद कर दिया जाए, जो आने वाले समय में सभी के लिए घातक परिणाम होंगे इसके, और बहुत ही घातक। इसके शब्दों के साथ धन्यवाद।